असम में 17 बार हमला करने के बाद भी वो असम पर कब्जा नहीं कर पाए। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यह है वीडियो का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां हमने बताया है कि कैसे लाचित जी बने थे लाचित बोरफुकन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुगलों ने असम में 17 बार हमला करने के बाद भी वो असम पर कब्जा नहीं कर पाए। लाचित जी को बोरफुकन का पद मिला ही था, तभी से उन्होंने अपनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए थे। सन 1667 में बरसात के मौसम के आगे ही उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। उनको कैसे भी करके मुगल ऑक्युपाइड गुवाहाटी को पाना था। फिर समय आया 20 अगस्त 1667, जब लाचित बोरफुकन जी ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। सेना कालियाबर तक पहुंची और दो भागों में बढ़ गई। वहां से अहोम सेना ने मुगल पर दो तरफ से अटैक किया और मुगलों को हरा दिया। फिर लाचित जी ने ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण के जगहों पर अपना झंडा लहराया। उनकी सेना यहाँ तक ही नहीं रुकी। फिर 2 नवंबर 1667 को इटाखुली और गुवाहाटी फोर्ट को अपना अधिकार में कर लिया। उन्होंने वहां सायद फिरोज और सायद साना को भी बंदी बना लिया और अहोम सेना को भी बंदी से मुक्त कर दिया। 2 महीने के अंदर ही लाचित बोरफुकन जी ने अपना सारा राज्य को ले लिया। इस जीत के बाद ही लाचित जी का सम्मान और भी बढ़ गया और उनको लोअर असम के सैनिक और अर्थनीति देखने का आदेश मिला। उसके बाद लाचित जी ने गुवाहाटी को बचाने के लिए चारों तरफ सैनिकों को तैनात कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुगल फिर से आक्रमण कर सकते हैं। लाचित जी एक ऐसे वीर सैनिक थे जो आने वाले मुसीबतों को भांप लेते थे। उन्हें लगता था कि गुवाहाटी से युद्ध करना मतलब अपने घर से युद्ध करना। फिर समय आया 1669 का, जहां फिर से मुगलों ने आक्रमण किया। इस युद्ध को अलावय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में लाचित जी की कुछ व्यक्तिगत परेशानियाँ थी, जिसके कारण वे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, किंतु राजा के आदेश के अनुसार वो युद्ध में शामिल हुए और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस युद्ध में अहोम सेना हार गई। उस युद्ध के बाद लाचित जी का मनोबल मानो टूट सा गया और वो पूरी तरह से बिखर गए। फिर राजमंत्री आतन बुढ़ागोहाई ने लाचित जी को मोटिवेट किया और उनको साहस दिया। इसके बाद शुरू होता है ऐतिहासिक सरायघाट युद्ध। सरायघाट युद्ध में मुगलों के सेनापति राम सिंह और अहोम के तरफ से सेना के नेतृत्व कर रहे थे लाचित बोरफुकन जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय लाचित जी बहुत ही बीमार थे, जिससे अहोम सेना का मनोबल भी गिर गया था। फिर लाचित बोरफुकन जी बोले, मैं यही मरूंगा, युद्ध त्याग करके कायर व्यक्ति नहीं बनूंगा। मैंने शिला पर्वत के ऊपर माटी खरीद रखी है, मरने के बाद मुझे वहीं समाधि दे देना। लाचित जी के मुंह से यह बात सुनकर अहोम सेना बहुत ही मोटिवेट हुई और युद्ध के लिए तैयार हो गई। उसके बाद लाचित बोरफुकन जी अपने नाव पर उठे और युद्ध के लिए तैयार हो गए और पूरी अहोम सेना जी जान से उस युद्ध को लड़ी और परिणाम स्वरूप उन लोगों ने सरायघाट युद्ध को जीत लिया। मुगलों के उस हार के बाद मुगल के सेनापति राम सिंह ने कहा कि धन्य है यहाँ के राजा, धन्य है यहाँ के मंत्री, धन्य है यहाँ के सेनापति और धन्य है हर वो अहोम सैनिक जिन्होंने युद्ध में कहीं भी कमी नहीं रखी। मुझे इस युद्ध में कहीं भी कमी नहीं दिखी जिससे मैं उन्हें हरा सकूं। मैंने भारत में कहीं भी ऐसे अद्भुत सैनिक नहीं देखे। फिर युद्ध के कुछ समय बाद ही 1672 में लाचित जी की मृत्यु हो गई। यह थी पूरी जीवन कथा लाचित बोरफुकन जी की। ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।